अगेन हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस। सो पे एब्सोल्युटली फाइन, मैं आपका होस्ट और दोस्त नवनाथ। और आज का डे है 25th of May 2022 और हमारा भी आज का थर्ड डे है। और हम लोग आज ट्रेवल करने वाले हैं मैसूर टू ऊटी, जो कि रहेगा अराउंड 120 किलोमीटर। लेकिन घाट सेक्शन होने के कारण हमें लगने वाला है 4-5 घंटा। सो और वहाँ की मतलब सीनरी है, सीन्स है, वो अद्भुत होने वाले हैं, वो भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊटी, बज गया है 8:30, 8:30 बज गए हैं। अभी स्टार्ट किया है 8:15 बजे और देखेंगे कितना टाइम लगेगा। मोस्टली लगेगा 4-5 घंटा। और सर हमारे ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पे, और पीछे लोग क्या चकना फोड़ रहे हैं लगता है। और देखेंगे मैडम कल का एक्सपीरियंस कैसा लगा? चर्च का नाम ही थोड़ा यूनिक लगा, क्या बोला वो? सेंट फिलोमिना कैथेड्रल। और क्या, वो मॉल बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा मिला KFC में। गुफा लंच वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अच्छा, और ये मैडम तो, अरे भूत मैडम बन गई है। भूत मैडम भूत बन गई है इधर। और बाकी कल का डे तो अच्छा था। और अभी आज देखेंगे क्या वाइल्ड लाइफ, मतलब एनिमल भी दिखते हैं ऐसा लोग बोल रहे थे। देखेंगे अभी इसमें नहीं वाटिजी तंजन सब गाइस। हम लोग अभी ऑन द वे है और ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे, एक होटल है। होटल का नाम क्या है? सोमू होटल पे। गाइस हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, बंदीपुर रिजर्व करके टाइगर रिजर्व कुछ है। और यहाँ का नज़ारा कुछ बहुत ही खूबसूरत है। देखिए हरे भरे पेड़ और वहाँ पे है हिरन, डियर। देखिए इस कैमरा से इससे नहीं दिखेगी आपको, मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद में और 1-2 घंटे का कुछ रास्ता है, ये बंदीपुर रिजर्व क्रॉस करके हम लोग पहुँचेंगे ऊटी में। सो एंजॉय द राइड, एंजॉय द व्यू। वेलकम टू तमिलनाडु।
गाइस ये है हमारा रूम अभी ऊटी में, और ये बहुत अच्छा रूम मिला है हमें अराउंड 7000 में 9 लोगों के लिए। मतलब 3 रूम है अलग अलग, 3 लोग रुकेंगे हम लोग। और ये मैसूर की, मैसूर में अच्छा नहीं था, थोड़ा सा भी ओयो का था, कुछ भी नहीं अच्छा नहीं। यहाँ पे सेपरेट लिया है, वो ओयो का नहीं लिया है। तो बहुत ही अच्छा रूम है ये देखिए। गाइस हम लोग अभी ऊटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेक इन कर लिया है और अभी भी खाना भी खा लिया है। और अभी देखेंगे ट्री प्लांटेशन के लिए जाएंगे, बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी ट्री प्लांटेशन के लिए जाने की प्लानिंग चल रही है, देखेंगे मिलते हैं। गाइस हम लोग टी प्लांटेशन में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये है नजदीक है टी प्लांटेशन, और सर्दी यहाँ पे अराउंड टेम्परेचर 18 डिग्री है। गोवा में तो अभी तक अभी 30 भी रहेगा शायद, और यहाँ पे 18 डिग्री है, सर्दी लग रही है। और देखिए टी गार्डन का भी दिखाता हूँ मैं। गाइस अभी मैं टी गार्डन के बीच में हूँ। अभी मैंने एक पत्ता तोड़ के खाया था, लेकिन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये शायद ये तोड़ के सुखाते होंगे, वो क्वालिटी रहेगी, मतलब कितना सुखाना कुछ रहेगा उसके बाद ही टेस्ट आता होगा उसको। अभी खाया था मैंने, कैसा लगा? एक खट्टा खट्टा सा कुछ डिफरेंट ही टेस्ट लगा मुझे यहाँ पे इसका, वो बाद में होने के बाद ही सुखाने के बाद ही अच्छा लगता होगा। गाइस बज चुके हैं 6 और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पे चल रही है फोटोग्राफी, बारिश में भीग के हो रही है फोटोग्राफी। गैस बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, और हमारे पास छाता भी नहीं है, ना ही रेनकोट है, ये सिर्फ एक विंटर जैकेट है, और रहने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे ही छोटे से इसमें रहे हैं साइड में, और थोड़ा थोड़ा भीग रहे हैं। अभी चाय चाहिए हमें।
गाइस हमने अभी अभी देखा है टी गार्डन और अभी अभी हम आए हैं चॉकलेट फैक्ट्री देखने के लिए। मार्केट में आए हैं और जो चॉकलेट फैक्ट्री में कुछ नहीं था, ऐसे ही कुछ प्रोसेस दिखा रहे थे। चॉकलेट एक्चुअली फैक्ट्री भी नहीं है, वो ऐसे ही ये रखा है चॉकलेट और कुछ मशीनरी ऐसा। और अभी तो फिलहाल आए हैं हम लोग यहाँ पे मार्केट में, देखेंगे मार्केट कैसा है, क्या होता है यहाँ। चलो देखूँगा आपको मैं मार्केट दिखा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का डे है 26th of May 2022 और हम डे टू है इधर ऊटी में और हम अभी आए हैं पाइगरा लेक्स देखने के लिए। सो देखेंगे आज का डे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। यू हैव अराइव्ड। साइट सीइंग ज़्यादा अच्छा है और एक्टिविटी उतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा हमें, मतलब करने के लिए। फिर भी यहाँ पे बोटिंग पॉइंट एक है यहाँ पर पाइगरा करके, सो हम लोग वहाँ पे आए हैं, तो देखेंगे आगे जब। गाइस हम लोग यहाँ पे लेक पे पहुँच चुके हैं और बहुत जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा है कि कई जगह बारिश गिरती है, कई जगह नहीं गिरती है और क्लाइमेट भी बहुत कूल है। तो ये बारिश भी बहुत ठंडी है, तो पानी बहुत, मुझे लग रहा है कि ये लेक भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है, लेकिन मज़ा आने वाला है बोटिंग करने के लिए। मिल रहे हैं
हूँ अभी कोयम्बटूर में तमिलनाडु में, और हम लोग कल दोपहर को 2 बजे वहाँ से छूटे थे ओटी से, और अराउंड यहाँ पे 7 बजे कुछ पहुँचे हैं। थोड़े से मतलब रूट की वजह से थोड़ा लेट लगा हमें गूगल मैप्स की वजह से, क्योंकि ठीक से नहीं दिखा रहा था। मतलब गांव-गांव से आए हैं हम, गांव-गांव घूम के ऐसे बोल सकते हो। और अच्छी बात रही कि हमें लेज़र शो देखने के लिए मिला शाम को यहाँ पे आदि योगी में, और वो मैं आपको अलग से एक वीडियो उसका ही अपलोड करूँगा, सो वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो है 15 मिनट का पूरा लेज़र शो का। और अभी आज का डे है 27th ऑफ मई 2022, और हम लोग आज जाने वाले हैं आदि योगी स्टैचू देखते हैं। कल हमने देखा था, लेकिन कल सिर्फ हमें ये लेज़र शो ही मिला, शाम को लेट पहुँचे थे इसके लिए। और आज हम लोग कुछ फ़ोटो और ये फोटोग्राफी और कुछ साइट सीइंग करेंगे, सो मेरा अलग से आपको एक ब्लॉग मिलेगा। सो आशा करता हूँ आपको ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं मेरे, और इस ओटी का ब्लॉग करते यहीं पे ही ख़त्म। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल देवर को।